नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 4, 5 और 6 नवंबर के आपकी राशि के महाराशिफल के बारे में। सबसे पहले दोस्तों, जिनका भी इसमें बर्थडे है या फिर एनिवर्सरी है, आप सभी को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आप दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करें। तो आइए दोस्तों के साथ बात करते हैं यशमय ग्रहों की स्थिति कैसी होंगी, क्या क्या योग बनेंगे और इन सभी का असर आपकी राशि पर क्या होगा, किन किन चीज़ों को लेकर यश में आपको सावधान रहना होगा और आखिर कौन कौन से कार्य आपके लिए भाग्यशाली होंगे। दोस्तों यश में आपका लव लाइफ कैसा रहेगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, क्रेडिट कैसा रहेगा। दोस्तों इन 3 दिनों में आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, आर्थिक स्थिति और धन को लेकर स्थितियाँ कैसे उत्पन्न होंगे, इन सभी की महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। तो दोस्तों वीडियो को बिल्कुल मिस ना करें और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो के अंत में बहुत ही अच्छे उपाय हैं जिन्हें आप करके इन दिनों को और भी ज़्यादा लाभकारी बना पाएंगे। उससे पहले दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर दें। तो आइए दोस्तों बात करते हैं, जान लेते हैं पहले ग्रहों की स्थिति के बारे में। सबसे पहले दोस्तों 4 नवम्बर की बात करें तो दोस्तों दिन गुरुवार का दिन रहेगा, कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि रहेगी और दोस्तों इस दिन चित्रा नाम का नक्षत्र रहेगा। वही दोस्तों इंद्र योग की बात करें तो प्रीति नामक शुभ योग और आयुष्मान नाम का 2 शुभ योग रहेंगे। वही दोस्तों इंद्र राहु कल का समय दोपहर के 1:33 से लेकर दोपहर के 2:56 रहेगा। दोस्तों ध्यान रहे आप राहु कल के समय में कोई भी शुभ और महत्वपूर्ण कार्य को भूल से भी ना करें। इसके उपरांत दोस्तों इस दिन चंद्रमा जो है तुला राशि पर संचार करेंगे। वही दोस्तों अगले दिन की बात करें तो दोस्तों शुक्रवार का दिन होगा, शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि होगी और विशाखा नाम का इस दिन नक्षत्र रहेगा। वही दोस्तों इस दिन योग की बात करें तो सौभाग्य नाम का शुभ योग भी इस दिन रहने वाले हैं जो कि रात्रि के प्रातः काल 3:08 रहेगा। उसके उपरांत शोभन नाम का योग प्रारंभ होंगे और राहु कल के समय सुबह के 10:47 से लेकर दोपहर के 12:10 रहेगा और चंद्रमा तुला के उपरांत वृश्चिक में गोचर कर जाएंगे। वही दोस्तों आखिरी दिन 6 नवम्बर की बात करें तो शनिवार का दिन होगा, द्वितीय तिथि अनुराधा नक्षत्र और दोस्तों इस दिन अतिगंड नाम का शुभ योग रहेगा। राहु कल के समय सुबह के 9:24 से लेकर सुबह के 10:47 रहेगा और चंद्रमा इस दिन भी वृश्चिक राशि में संचार करेंगे। तो आइए दोस्तों बात करते हैं जो ग्रहों की स्थिति है और चंद्रमा का जो गोचर है आपकी राशि पर क्या क्या प्रभाव लेकर आती है। चलिए दोस्तों बात करते हैं पूरे विस्तार से। दोस्तों इन दिनों में एक दूसरे के प्रति सहानुभूति तथा एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना उत्पन्न हो सकती है। आपसी सामंजस्य बेहतर होने से किसी भी कार्य को सफल बनाने का जो आपका प्रयास है वो आप कर सकते हैं, आपका प्रयास जो है इसमें सफल होगा। दोस्तों इन दिनों में संगठित परिवार होने से घर परिवार के विकास के साथ साथ कार्य क्षेत्र में भी विकास होने की संभावना पाई जाती है। वही दोस्तों इन दिनों में अगर आपकी नेगेटिव यानी सावधानी को लेकर बात करें तो दोस्तों यह समय मन अस्वस्थ रहेगा, धार्मिक सामाजिक कार्यों में धन खर्च होगा, परिजनों से यश में अनबन हो सकती है, व्यवहार में गुस्से यश में देखने को मिलेगा। दोस्तों जिसके कारण कार्य क्षेत्र में नुकसान आपको उठाना पड़ सकता है। दोस्तों इन दिनों में कोर्ट कचहरी के कार्य में दिक्कतें आ सकती है। दोस्तों यश में आपको सलाह दी जाती है कि वाणी पर आप यश में संयम रखें, गणेश जी का ऐसा विचार है। वही दोस्तों इन दिनों में आपके लिए जो समय होंगे अपना प्रभाव बढ़ाने वाला समय रहेगा और आपकी प्रतिभा का सम्मान भी करेंगे। दोस्तों आप जो है अपने कार्य पर परिपूर्ण लगे रहें, कुछ लोगों को अपने समूह के नेतृत्व का मौका भी मिल सकता है। कुछ लोगों के लिए ये जो दिन है फिर भी थोड़ा जो है निराशजनक हो सकता है, कुछ पुराने दोस्त से जो है ये समय आपको मिलने का मौका मिल सकता है। फिर भी दोस्तों मन में एक जो है खालीपन सा आप महसूस करेंगे। थोड़ा सा समय ध्यान में बिताएं, इससे आपके मन को शांति मिलेगी। और दोस्तों ये जो समय है आपके लिए आध्यात्मिक प्रगति के लिए भी एक अच्छा कदम वाला समय होगा। दोस्तों इन दिनों में अगर आपकी करियर को लेकर बात करें तो ये जो आपके लिए समय होंगे इन दिनों में आपके करियर के लिए जो है बहुत ही अच्छा समय रहेगा। बिजनेस वालों को यह समय जो है सावधानी से काम करना होगा। दोस्तों ये जो आपके लिए समय होंगे आकस्मिक धन लाभ के योग भी बनेंगे। दोस्तों व्यवसायिक क्षेत्र में जो आपको सफलता मिलेगी उससे आप गदगद हो जाएंगे और धन लाभ की स्थिति यश में रहेगी। लेकिन दोस्तों अनावश्यक जो है यश में आप खर्च बढ़ सकते हैं, इसलिए दोस्तों यश में आप अपने खर्चों पर नियंत्रण करने की कोशिश करें। दोस्तों यश में अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें तो ये जो आपके लिए समय होंगे इन दिनों में लव लाइफ के लिए
प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी और प्रेमी का जो है भरपूर सहयोग मिलेगा। वैवाहिक जीवन में तालमेल बनाकर आप चलें, जीवन साथी की भावनाओं का आप यश में जो है आदर करें। दोस्तों इन दिनों में जो आपके लिए समय होंगे, परिवार के साथ कहीं घूमने का आप जो है योजना बना सकते हैं, किंतु दोस्तों इसमें ध्यान रखें कि ये आपके जो है काम पर कोई असर ना डाले। वहीं दोस्तों इन दिनों में अगर आपकी हेल्थ की बात करें तो ये जो आपके लिए समय होंगे सेहत के मामले में, आपको जो है अपने स्वास्थ्य के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है। ये जो आपके लिए समय होंगे आपको मौसम के बदलाव के कारण होने वाले छोटे मोटे बीमारियों का है सामना करना पड़ सकता है। वही दोस्तों इन दिनों में आपका भाग्यशाली रंग रहेगा काला और भाग्यशाली अंक रहेगा 9। दोस्तों ये अश्विनी गणेश जी कहते हैं कि यदि आप कुशल वक्ता या फिर सार्वजनिक प्रवचनकर्ता होंगे तो आपको निश्चित रूप से बहुत ही ख्याति मिलेगी। दोस्तों इसमें प्रसारण माध्यमों से संबंधित प्रवृत्तियां आपके लिए लाभदायी साबित होंगी। दोस्तों इन दिनों में आपकी जो वाक्पटुता होगी और वाक्छटा प्रशंसा पात्र बनेंगे। इसमें आपका व्यवहार जो है उसकी सब प्रशंसा करेंगे और आपको नाम और प्रतिष्ठा इसमें ये जो आपका स्वभाव है वो दिलाएंगे। वहीं दोस्तों इन दिनों में अगर आपकी वित्तीय स्थिति यानी धन को लेकर बात करें तो आप वर्क प्लेस पर खुद को आलसी और निरुत्साहित महसूस करेंगे। आपको अपने मामलों को सुलझाने के लिए अपने सहकर्मियों की मदद लेने की जरूरत होगी, क्योंकि दोस्तों आपके निर्णय लेने की जो ताकत है यह समय इन दिनों में इतनी अच्छी नहीं होगी, इससे आपकी प्रोडक्टिविटी में जो है कुछ कमी आ सकती है। दोस्तों कुल मिलाकर ये जो आपके लिए दिन होंगे समय होंगे प्रोफेशनल मामले में जो है थोड़ा अनलकी दिन हो सकता है अगर आप अपने कार्यों पर जो अपना नज़र हटाते हैं तो। वहीं दोस्तों इन दिनों में अगर आपकी पारिवारिक जीवन की बात करें तो निजी मोर्चे पर ये जो आपके लिए दिन होंगे इन दिनों में काफ़ी अच्छा दिन होगा। अपने पीढ़ी के साथ मजबूत जुड़ाव और आप दोनों को अच्छा महसूस कराएगा यह समय। इस तरह दोस्तों आप अपने पीढ़ी के साथ जो है एक आनंददायक और रोमांटिक दिन बिता सकते हैं। वहीं दोस्तों इन दिनों में अगर आपकी आर्थिक स्थिति की बात करें तो ये जो आपके लिए समय होंगे गणेश जी आपको इन दिनों के शाम में काम के अलावा कुछ आरामदायक गतिविधियों में शामिल होने की सलाह भी देते हैं, क्योंकि ये जो समय होंगे आप वर्क प्लेस पर श्रमित और तनाव में हो सकते हैं। अत्यधिक काम जो है आपकी सेहत पर भी प्रभाव डाल सकता है। ऐसे में दोस्तों आपको यह समय रूटीन के काम में ब्रेक लेने की सलाह जो है गणेश जी देते हैं। वहीं दोस्तों यह समय आप खुद को ऊर्जा से जो है सारा बोर पा सकते हैं, लेकिन दोस्तों काम का जो बोझ है आप में खींच पैदा कर सकता है। दोस्तों इन दिनों में कार्य क्षेत्र में या फिर कारोबार में आपकी कोई लापरवाही आपको यह समय जो है आर्थिक नुकसान करा सकती है। वही दोस्तों इन दिनों में बच्चों को अपनी उम्मीद के मुताबिक जो है प्रदर्शन करने के लिए प्रोत्साहित करें, हालांकि किसी चमत्कार की उम्मीद न करें। दोस्तों इन दिनों में आपका जो प्रोत्साहन है निश्चित तौर पर बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ाएगा, आपकी आकर्षक छवि जो है मनचाहा परिणाम देगी। दोस्तों इन दिनों में जो समय होंगे दूसरे देशों में व्यावसायिक संपर्क बनाने का बेहतरीन समय होगा। कार्य क्षेत्र के किसी काम में जो है खराबी की वजह से ये जो समय है आप परेशान रह सकते हैं और इस बारे में सोचकर अपना जो है कीमती वक्त भी आप बर्बाद कर सकते हैं। दोस्तों इन दिनों में आपके सामान्य वैवाहिक जीवन से कुछ हटकर होने वाला है। आपको अपने जीवन साथी की ओर से कुछ जो है खास देखने को इन दिनों में मिल सकता है। दोस्तों इन दिनों में आप जो है आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए खाने से पहले जो है पैर धोएं। यदि ऐसा संभव न हो तो दोस्तों हमेशा जूते बाहर खोलकर ही जो है भोजन करें, इससे दोस्तों आपका आर्थिक स्थिति जो है और भी बेहतर होंगी। दोस्तों यश में आपको कौन से महत्वपूर्ण उपाय को करना चाहिए? दोस्तों आपको बता दें यदि आप जो है प्रीत दोष से पीड़ित हैं तो दोस्तों आप प्रतिदिन शिवलिंग पर जल चढ़ाकर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें और साथ ही माँ काली की नियमित उपासना भी आप करें, इनसे दोस्तों प्रीत दोष में लाभ मिलता है। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि आप चाहे किसी भी धर्म को मानते हो जो है घर में भोजन बनने पर सर्वप्रथम जो है पितरों के नाम ही खाने की थाली मिलाकर गाय को खिलाने से उस घर में जो है पितरों का सदैव आशीर्वाद रहता है। दोस्तों आपको बता दें कि घर के मुखिया को भी चाहिए कि वह भी अपने थाली में जो है पहला ग्रास पितरों को नमन करते हुए कौओं को खिलाएं या फिर जो है अलग निकाल कर उसे खिला दें। या दोस्तों इन उपायों को आप जो है प्रारंभ करें, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे और साथ ही दोस्तों इनसे आपके जो पितृ दोष हैं इनसे आपको निवारण होंगे। तो दोस्तों इन उपायों को इसमें करें ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा
भाग्यशाली रहेंगे। और शादी दोस्तों और ऐसी अधिक जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर दें। धन्यवाद।